बिहार में शादी ब्याह आदि मौके पर हर्ष फायरिंग कोई नई बात नहीं है। हर्ष फायरिंग अब फैशन बन गया है और इस प्रकार की घटनाएं होना भी आम हो चुकी हैं। हालांकि किसी किसी मामले में कार्रवाई होती है, लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर कोई लगाम नहीं लग पा रहा है। वहीं अब खगड़िया में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। ये खास इसलिए है क्योंकि इसमें फायरिंग खुद नई नवेली दुल्हन कर रही है। ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि वीडियो खगड़िया के भरतखंड का है। यहाँ के रहने वाले आसिफ राजा की शादी 5 मई को नवगछिया के बलहा में हुई थी और इसके बाद रिसेप्शन की पार्टी में 10 मई को खगड़िया भरतखंड में आयोजित की गई थी, जहाँ पर नई नवेली दुल्हन हर्ष फायरिंग करती हुई नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से दुल्हन ने हाथों में बंदूक थामा और फिर उसे फायरिंग करने को कहा जाता है। इसके बाद दुल्हन फायरिंग करने लगती है। गोली चलने की आवाज वीडियो में भी साफ सुनी जा सकती है और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि थोड़ी सी चूक के कारण किसी भी समय कोई बड़ी घटना हो सकती है। हर्ष फायरिंग में लोगों के घायल होने की कई खबरें आती हैं। भरतखंड ओपी प्रभारी आशुतोष कुमार योगेश ने बताया कि वायरल वीडियो की पड़ताल जारी है, मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। पुलिस ने कहा है कि इस तरह की फायरिंग करना उचित नहीं है, फायरिंग की इजाजत भी नहीं है। वीडियो से लोगों की पहचान कराई जा रही है। हालांकि इस वीडियो की लगातार चर्चा हो रही है। अभी तक दूल्हा दुल्हन या उसके किसी भी लोगों की इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। Yeah,